प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुशील दत्ता, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय काकती स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर बस्तर, आज आप लोगों के मध्य कर्ण की संरचना और उसकी कार्य की इस पाठ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो कि बीएससी भाग दो कक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 5 का चौथा पाठ का एक भाग है। और हम जो यह अपनी चर्चा दो वीडियो में पूरी करेंगे, तो वीडियो का पहला भाग प्रारंभ करते हैं कर्ण की संरचना और उसकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि कर्ण है क्या, कान क्या है, सुनने के लिए है, ध्वनि को समझ करके सुनने के सुनकर समझने के लिए है। तो ये हियरिंग का काम करता है, साथ ही ये शरीर के बैलेंसिंग का काम भी करता है, शरीर को उसकी पोजीशन को स्थिर बनाए रखने का काम भी यही ईयर से ही होता है। तो सबसे पहले हम कान की संरचना को देखने के लिए बड़ी तेजी से समझ लें। सबसे बाहर एक बाह्य कर्ण है, पिन्ना। पिन्ना इवोल्यूशन के दौर में यह पिन्ना कान में फुल्ली कान में बाली पहनने के लिए नहीं, बल्कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए बनी है, और इसका ध्यान रखेंगे। उसके अंदर से ये नलिका बनती है, एक नलिका। तो ये एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, ये मिडिल ईयर, मध्य कर्ण, और ये अंतःकर्ण, यहां से जिसे हम कॉकलिया कहते हैं, कॉकलिया शब्द ध्यान रखेंगे। तो बाह्य कर्ण जो है ये पिन्ना, उसके बाद ये यह नलिका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यह एक पर्दे पर जाकर समाप्त होती है जहां से मध्य कर्ण प्रारंभ होता है। इस पर्दे को कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद यह मध्य कर्ण के अंदर ये जो है यह केविटी है, जिसे कहते हैं टिम्पेनिक केविटी, और यह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यह टिम्पेनिक केविटी, और उसके अंदर ईयर ओसाइकल्स होती हैं, ईयर ओसाइकल्स हड्डियों की बनी हुई संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं अलग अलग। पहला मेडियस जो कि हथौड़े का आकार का है, दूसरा इंकस जो कि एनविल या निहाई के आकार का है, और तीसरा स्टेपीज जो कि घोड़े की रकाबी के आकार का है। और इसी भाग से एक नलिका मुंह में आकर के खुलती है, नेजोफेरिंग्स वाले भाग में, इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जो कि एयर के प्रेशर को बैलेंस बनाने का काम करती है। और इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं अंतःकर्ण, जिसमें यह समझ लीजिए कि अंतःकर्ण की जो संरचना है वह बॉल पेन के अंदर जैसे रिफिल होता है वही संरचना है, और यह हड्डी के अंदर बनी हुई सुरंग में पूरी संरचना है। तो जैसे बाहर हड्डी की बनी हुई सुरंग है, उसके अंदर एक झिल्लीदार सुरंग भी उसी के साथ साथ ही है, जैसे बॉल पेन में रिफिल। और तो ये जो सुरंग की संरचना है यह कुंडलित होती है, यह कुंडलित है, हमने इसको संरचना को समझने के दृष्टि से थोड़ा सीधा किया है, कुंडलित संरचना जिसे हम कहते हैं लेबिरिंथ। तो लेबिरिंथ दो प्रकार का देखिए, एक बोनी लेबिरिंथ हो गया, मतलब भूल भुलैया, लेबिरिंथ माने भूल भुलैया, हड्डी की बनी हुई भूल भुलैया, उसके अंदर एक झिल्ली की बनी हुई भूल भुलैया, तो बोनी लेबिरिंथ, और दूसरा अंदर में जो झिल्ली से बनी हुई एक संरचना है पूरी ट्यूब के समान, यह मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इसके समान यह भी भूल भुलैया है। अब इसके भागों को अपन समझ लें। यह जो ट्यूब है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पूरी, इसके ऊपर जो भाग कहलाता है वो स्केला वेस्टिबुलाई, और नीचे जो कहलाता है स्केला टिम्पेनाई, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो भाग है वो कहलाता है स्केला मीडिया। और प्रत्येक भाग में द्रव पदार्थ भरा होता है, बाहर ये पूरी संरचना में पूरा बाहर ये भरा होता है द्रव, जिसे कहते हैं पेरिलिम्फ, पेरी माने चारों ओर। और यह जो संरचना है ये जो यह पूरी निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो यहां पर जाकर के समाप्त हो जाता है। अब ये जो झिल्लीदार सुरंग के अंदर जो संरचना है भूलभुलैया, इसमें इसके बाहर के या ऊपर के जो झिल्ली है इसे कहते हैं हम रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये
और नीचे के झिल्ली के इस भाग को कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में ध्यान रखिए, इसको बीच में समझने के लिए एक रिबन के समान संरचना ऐसी लटकी हुई होती है पूरी लंबाई में इस तरीके से, जिसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरियोसीलिया, स्टीरियो मतलब एक क्रम से चलने वाले, सीलिया से बनी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल, जो कि दरअसल श्रवण अंग है। और इस प्रकार से ये पूरा अपना संरचना है इसकी। और ये जो अंतिम भाग है जिससे कि यह भाग निरंतर है, जिससे पेरिलिम्प बह रहा इधर से उधर, उसे कहते हैं हम हेलिकोट्रीमा। यदि हम इसमें कोई संरचना छूट गई हो तो आप मेरे अंदाज से कुछ संरचना छूटी नहीं है जरूरत की। और यह जो चित्र हमने बनाया है यह मनुष्य के कान के लिए, और इसका लाइन डायग्राम बनाया है, लाइन डायग्राम। और इसमें अब एक एक नजर हम मार लेते हैं जो यहां से साउंड वेव्स चलती हैं, देखिए किस तरीके से। और यहां पर अंतःकरण जहां चालू होता है, हाँ ये छूट गया था, यहां पर एक द्वार है जिसे कहते हैं हम ओवल विंडो, और नीचे है राउंड विंडो। ओवल माने अंडाकार, राउंड माने गोलाकार। और इसमें साउंड वेव्स या ध्वनि की तरंगे किस क्रम में चलती है, देखिए पिन्ना, यहां देख लीजिए पिन्ना, पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद ये ऑसाइकल्स, ऑसाइकल्स जो कि ध्वनि की तीव्रता को 10 से 20 गुना तक बढ़ा देता है, वहां से ये आ जाता है ओवल विंडो में, ओवल विंडो से ये पेरिलिम्प, पेरिलिम्प से एंडोलिम्प, ध्वनि की जो तरंगे हैं लहर उत्पन्न कर रही हैं, और उस प्रकार से ये बेसिलर मेम्ब्रेन ये हिलता है, ये इसके हिलने से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल ये भी तरंग के समान हिलते हैं, जिससे ये ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में टकराते हैं। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल कहला रहा है, पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल। यहां से इसके छूने से यहां पर जो तंत्रिकाएं होती है उसमें आवेग उत्पन्न होता है, और वह आवेग कॉकलियर वेस्टिबुलो, कॉकलियर नर्व के द्वारा ब्रेन या मस्तिष्क चल जाती है, और मस्तिष्क जो है ध्वनि को समझता है या इंटरप्रेट करता है। तो इस प्रकार से देखिए ओसाइकल्स, ये ओसाइकल्स में आया, फिर ओवल विंडो, ओवल विंडो से कॉकलिया, कॉकलिया में मतलब पूरा ये संरचना यहां से, और उसके बाद ब्रेन पूरे मेम्ब्रेन से होते हुए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल से ब्रेन तक इसकी सूचना पहुंच गई और ब्रेन ने इसको इंटरप्रेट कर लिया। अब हम अगर थोड़ा सा समय अगर हम इसको दे सकेंगे तो ये समझ लीजिए कि ध्वनि की तरंगे यहां से कलेक्ट होकर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में आती हैं, यहां से ये ध्वनि की तरंगों की तीव्रता को ये ओसाइकल्स जो हैं ये बढ़ा देते हैं, और ओवल विंडो से होकर के ध्वनि की तरंगे जैसे ही यहाँ पहुंचती है द्रव पदार्थ में, जिसे पेरिलिम्प और एंडोलिम्प कह रहे हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं, और वही उसी तरंगे के कारण ये सभी संरचनाएं हिलती हैं। ऊपर तो हड्डी है, बोनी है ये संरचना, ये तो हिल नहीं सकती, इसलिए ये संरचनाएं हिलती हैं जिसके बारे में हमने वर्णन कर दिया है। अब बैलेंसिंग ऑर्गन है, वो संरचना यहां पर है जो कि हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।